हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। तो भाई यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पे रह रही हूँ मैं, जो वो आपको घर दिख रहा है वहाँ पे। तो कुछ वीडियोस में आपने वहाँ की लोकेशन देख ली होगी। तो भाई बात ऐसी है कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ वो एक कंपनी का एरिया है, यहाँ पे इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें से एक ब्रांच में मैं रह रही हूँ। तो आप में से भी बहुत लोग बोलते थे कि इंडिया के जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं या जो लोग रहते हैं उन पे एक डिटेल में वीडियो बनाई है। तो मुझे भी मौका मिला यहाँ पे ऐसे रहने का, पहली बार मैं किसी कंपनी एरिया के अंदर रह रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कंपनी नाइल ट्रांसफार्मर, ठीक है, यहाँ से दिखता है, ये ट्रांसफार्मर की कंपनी है भाई। अभी मैं डिटेल में आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पीछे ही एक और कंपनी है, उसका नाम है एनर्जन। तो एनर्जन जो है वो सबसे पहले शुरू हुई थी, ठीक है। तो पहले वहाँ चलते हैं और वहाँ की वीडियो बनाते हैं और उसके बाद हम आएंगे इस साइड। तो जितना मुझे पता है इट इज़ डायरेक्टेड बाय इंडियन पीपल, इंडियन लोग इसको चला रहे हैं। ये इस साइड है ट्रांसफार्मर और इस साइड है, ये है एनर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपकी बात करवा देती हूँ थोड़ी, कि डिटेल में आपको बता देंगे कितने सालों से शुरू हुई है, कौन कौन चला रहा है एंड सब कुछ। आई एम गुड, यू? मॉर्निंग। तो भाई एंट्रेंस यहाँ से ऐसा है, ठीक है, ये यहाँ पे इसका एंट्रेंस है और ये काम चल रहा है सारा यहाँ पे ना। मुझे डिटेल में तो नहीं पता ये किन चीज़ का काम है और ये क्या हो रहा है, लेकिन अभी मैं जिन लोगों से आपकी बात कराती हूँ वो आपको डिटेल में बता देंगे। बाकी उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। तो ये कॉपर है सारा और ये काम चल रहा है। ये देखो यहाँ पे कॉपर को, मेरे को लगता है इसकी तार बना रहे हैं ये लोग, तार नहीं है, थोड़ा तार से मोटा ही है, लेकिन सारा प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, इनसे मिलिए, ये यहाँ पे सब कुछ मैनेज करते हैं। जब से कंपनी ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई है तब से, स्टार्टिंग से भी पहले से ये यहाँ पे हैं। तो ये आपको सारे डिटेल में बताएंगे, इसके ओनर कौन है, इसको मैनेज कौन कर रहा है और ये यहाँ पे कब से है और कंपनी कितने सालों से चल रही है। यस, हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, नाम और आप कितने सालों से हैं यहाँ पे, ये कब से शुरू हुआ, कंपनी कब से है, सब कुछ। ये कंपनी शुरू हुई 2018, पहले से मैं इधर आया हूँ, ये सब सिविल काम और सब मैंने मैनेज किया है, मैंने सब मशीन लगवाया है, एनर्जन और ट्रांसफार्मर सब का हैंडलिंग अभी मैं ही करता हूँ। बॉस है, तीन बॉस है, मगन पटेल एंड तरुण जैन एंड राजेश पटेल, वो कभी कभार होता है कभी नहीं होता है, तो यह सब मैं ही संभालता हूँ, एनर्जन एंड ट्रांसफार्मर। तो जो बॉस लोग हैं वो इंडिया में भी मैनेज करते हैं एंड युगांडा में भी बिजनेस करते हैं, इधर भी बिजनेस करते हैं, दोनों जगह पे वो मैनेज करता है, एक महीना इधर रहता है, एक महीना इंडिया रहता है, ऐसे आता जाता रहता है और इधर सब मैं संभालता हूँ, मेरे को सब जवाबदारी दिया हुआ है वो। एंड आप कहाँ से हैं इंडिया में? इंडिया में मैं जामनगर से हूँ। ओके, गुजरात से? गुजरात से, जामनगर से हूँ। एंड ये हमारे जो ये कंपनी है इसके कितने ब्रांच हैं यहाँ पे? और हमारे ये नाइल की तो बहुत सारी ब्रांच है इधर, नाइल एग्रो है, नाइल बैटरी है, हमारा जो पार्टनर है तरुण सर का, राजेश सर का जो पार्टनर है मगन पटेल, उसको तो बहुत सारी फैक्ट्री है इधर। तो हमारी यहाँ ट्रांसफार्मर एनर्जर की अजी स्टार्ट पहली फैक्ट्री है, बाद में
लाइफ में कभी भी इधर दो तीन फैक्ट्री और खोलने वाले हैं, ब्रास वगैरह, कॉपर वगैरह सब कुछ, एल्यूमिनियम। मैंने इवन ये भी सुना कि ये जो ट्रांसफार्मर वगैरह है ये आप लोग गवर्नमेंट को भी इवन सप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट उमे में, गवर्नमेंट को भी प्राइवेट करते हैं, उमे में को भी, और युगांडा, केनिया, तांजानिया सब जगह पे सेलिंग करेंगे ट्रांसफार्मर एंड कॉपर ऑल मटेरियल। और ये कॉपर का थोड़ा सा फायदा बताओ कि इसका यूज क्या करते हैं मेनली यहाँ पे जो बनता है? जो कॉपर का अर्थ रोड आता है जो जमीन में डाला जाता है उसके लिए अर्थिंग मिलता है, पैनल हो चाहे कोई भी इलेक्ट्रीशियन आइटम हो उसको अर्थ जमीन का मिलता है। और अरेस्टर बेज बनाते हैं जो ऊपर लगाते हैं अरेस्टर, और स्ट्रिप बनती है कॉपर स्ट्रिप बनती है अर्थ के लिए, और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ कॉपर की इलेक्ट्रिक में यूज होती है। तो ये इलेक्ट्रिक में जो कॉपर की चीज़ें हैं वो आप लोग मैन्युफैक्चर करके उसे यहाँ से सेल करते हैं? मैन्युफैक्चर मैं ही करता हूँ और सेल भी मैं। तो भाई ये तो बात हुई यहाँ की एनर्जन साइड की, अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ ट्रांसफार्मर की तरफ। वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी मशीन दिखेंगी और वहाँ पे जाके मैं आपको दलपत से और आशु से और पांडे जी से बात कराती हूँ जो वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। एंड वहाँ पे एक एचआर भी है जो युगांडा की ही है, उससे भी मैं आप लोगों को। तो ये नाइल ट्रांसफार्मर है, यहाँ से जाने का रास्ता है। तो भाई अब हम जा रहे हैं नाइल ट्रांसफार्मर की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले एंट्री होती है लैब में। भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम आशुतोष सक्सेना है, मैं यहाँ पे क्वालिटी देखता हूँ, क्वालिटी इंजीनियर हूँ और ट्रांसफार्मर टेस्टिंग भी मैं ही देखता हूँ। तो ये हमारी टेस्टिंग लैब है, थोड़ा इसके बारे में बताइए आके। अब ये हमारा कंट्रोल टेस्ट पैनल है, यहाँ से हम अपनी सारी टेस्टिंग कंट्रोल करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल टेस्ट हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के लॉसेज और जो भी टेस्ट करते हैं, हाई वोल्टेज टेस्टिंग सारी यहाँ से होती है। सामने नीचे हमारा ट्रांसफार्मर रखा होता है जहाँ से हम इसको विटनेस करते हैं, और कनेक्शंस हमारे नीचे ही रखते हैं खाली, यहाँ से कंट्रोलिंग होती है। ओके, हमारी ऑयल स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाली मशीन है, ऑयल BDB टेस्टर कहते हैं। इससे हम ऑयल की ब्रेकडाउन वोल्टेज स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ओके, एंड बाकी सारा काम नीचे होता है। ठीक है भाई, नीचे चलेंगे हम 2 मिनट बाद। थैंक यू। हेलो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज संड्रा। एंड हियर व्हाट यू आर हैंडलिंग? बेसिकली एचआर वर्क। ओके, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन। ओके, एंड सिंस हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग हियर? 7 मंथ। 7 months. Okay, thank you. Hello. Hi. Hi. Introduce yourself. Hi, my name is David. And what you are managing here? Well, I'm a sales officer. Okay. Yes. So you are dealing with marketing and all that stuff? Definitely, yes. Okay. Yeah. And you joined here since how long? From 3 months. Okay. 1.5 to 3 months, yes. So you are quite new here. Brand new? Yeah. Thanks. You're welcome. Where is Pandey ji? यहाँ पे पांडे जी accounts का संभालते हैं, सारा मैनेज कर रहे हैं। पांडे जी ट्रांसफार्मर एंड इनर्जन दोनों साइड का accounts मैनेज करते हैं। तो इधर है हमारे जनाब भाई दलपत, यहाँ पे बैठे हैं जनाब दलपत। एंड दलपत अपनी इंट्रोडक्शन दे। और भाई ऐसा है, हेलो, मैं काम दोनों कंपनी में करता हूँ, मैं ट्रांसफार्मर एनर्जन में कैशियर और स्टोर पोस्ट में। और एनर्जन कंपनी हमारी स्टार्ट हुई थी 2018 से, और ट्रांसफार्मर 2019 में ट्रांसफार्मर शायद हमारी युगांडा की फर्स्ट कंपनी होगी जो 50 MVA तक के ट्रांसफार्मर बनाती है, और एनर्जन आई थिंक सेकेंड है जो अर्थिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है युगांडा को। Okay. हम जिन अब हमें में युगांडा और UTCL युगांडा उसके साथ भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं गवर्नमेंट, और आउट ऑफ कंट्री भी हम अपना माल सप्लाई करते हैं, डिपेंड ऑन डिमांड के ऊपर। अगर आपको भी चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो, हम आपको दे। तो यहाँ पे पांडे जी जैसे मैंने बोला उस टाइम नहीं थे, किसी काम के लिए गए थे, अब वापस आ गए हैं, तो मैं उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। तो हेलो, मेरा नाम सर्वेश कुमार पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ,
उत्तर प्रदेश में पहले मुरादाबाद में काम करता था, फिर वहाँ से तरुण सर ने मुझे अपॉइंट करा यहाँ पे। मुझे आए हुए यहाँ पे 5 महीने हो गए हैं और यहाँ पे जो भी अकाउंट्स वगैरह का काम है उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ। अकाउंट्स का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम मैं देख रहा हूँ और जो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि एक अच्छी तरीके से कंपनी कैसे रन करती है उसका एक्सपीरियंस मैं अब यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि अभी तो कंपनी बिगनिंग स्टेज में है तो इसलिए जिधर भी अगर हम कंपनी को मोड़ेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे लेकर चलेंगे, उस तरफ कंपनी बहुत ही जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेगी। तो वो चीज़ प्रयास कर रहा हूँ, उसमें मेरे सभी कलीग्स सभी लोग मेहनत कर रहे हैं प्रॉपर उसको बनाने के लिए, प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। एंड आप मेन अकाउंट्स का, ट्रांसफार्मर एंड इनर्जन बोथ साइड का मैनेज करते हो? दोनों कंपनियों का अकाउंट्स। थैंक यू सर। फाइनली नीचे वाले एरिया में हम आ गए हैं जहाँ पे ये सारा ट्रांसफार्मर का काम होता है, चेकिंग होती है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में बेसिक पढ़ाते हैं इसका बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे है भाई ये सारे ट्रांसफार्मर और मुझे इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि हमने तो बहुत 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 ज़्यादा बेसिक पढ़ा था इसका। तो ये आपको यहाँ पे इंजीनियर हैं, हमारा टेस्ट एरिया है और इसमें हम लोगों ने बैरिकेटिंग की है, सेफ्टी बैरिकेटिंग की। जब भी हमारी टेस्टिंग होती है तो ये इंडिकेशन है कि कोई भी इसके अंदर ना आए और ये सेफ्टी बैरिकेटिंग इसीलिए लगाई गई है कि कोई भी आउटसाइडर है उसको पता हो कि अंदर हाई वोल्टेज टेस्टिंग चल रही है तो वो अंदर ना आ सके। और ये जैसे ही कोई इसको ऑफ करेगा तो ये बंद हो जाएगा और इसका सिग्नल ऊपर शुरू हो जाएगा ऑन, और ये दोबारा ऑन नहीं होगी जब तक हम ऊपर से पैनल को ऑफ करके और दोबारा इसको रिस्टार्ट नहीं करेंगे। तो मेन इसका जो भी है वो ऊपर लैब में है, ऊपर लैब में, और ये मेनली सेफ्टी के लिए है कि ड्यूरिंग हाई वोल्टेज टेस्टिंग कोई भी अंदर ना। कैन यू एक्सप्लेन लिटिल अबाउट दिस ट्रांसफार्मर? ये ट्रांसफार्मर हमारे पास आया है रिपेयरिंग के लिए। यहाँ पे एक इंडस्ट्री है और ओमेगा इंडस्ट्री, उसका ट्रांसफार्मर है ये, रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। ये 1 MVA ट्रांसफार्मर है, इसकी हम लोग रिपेयरिंग करेंगे। अभी हमको क्लियरेंस नहीं आया है कंपनी की तरफ से, जैसे ही क्लियरेंस आएगा तब हम इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। एंड ये जो रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है इसमें कितना टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट? ये डिपेंड करता है कि फॉल्ट के ऊपर, कैसी फॉल्ट है ट्रांसफार्मर। आप लोग स्क्रैच से तो ट्रांसफार्मर बिल्ड करते हो या नहीं? अभी हम लोग स्क्रैच से ट्रांसफार्मर बिल्ड नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे असेंबलिंग कर रहे हैं। बट इन फ्यूचर हमारे पास वाइंडिंग मशीन्स भी हैं जिसमें हम लोग वाइंडिंग भी करेंगे और असेंबली भी। अभी तो हम लोग असेंबलिंग कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग कोर बिल्डिंग और वाइंडिंग भी स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग यहाँ के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास ट्रेंड लोग नहीं हैं जो कि ट्रांसफार्मर बना पाएँ। तो जो बिल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं वो कहाँ से आप लोग करते हो? हमारी सिस्टर कंपनी है शिल्चर टेक्नोलॉजीज, उनसे हमारा टेक्निकल कोलैबोरेशन है। अभी हम लोग उनसे ही वाइंडिंग और कोर लेते हैं और फिर यहाँ लाके हम उसे असेंबल करते हैं, और असेंबल करने के बाद हम पूरा प्रोसेस करते हैं टैंकिंग और ऑटोक्लेविंग का और यहाँ पे टेस्ट करके उसे डिस्पैच करते हैं। और हेलो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज कादिम ग्रेडर के, आई कम फ्रॉम Chibuku district, but I no matter work at India as a city. Okay, so you are working here as a security, right? Yeah, security officer. Okay. तो भाई ये था यहाँ पे एग्जिट था यहाँ का, यहाँ से हमने एंट्री ली थी और यहाँ से हमने एग्जिट करा। थैंक यू सो मच। तो मैं आप लोगों को पूरी जो ये दोनों कंपनी थी इनको इनकी इंट्रोडक्शन करवा दी। यहाँ पे ऐसे बिजनेस चलता है, काम चलता है, कंपनीज चलती हैं और ये इंडियन मैनेज कर रहे हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी कि मुझे यहाँ पे इन लोगों ने होस्ट करा, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोगों से भाई अब अगली वीडियो में मिलते हैं और आज के लिए इतना ही।